ये पहली बार था इसलिए हमने कहा है दूसरी बार से कार्रवाई होगी। जी हाँ, फर्जी ऐप्स पर नरोत्तम मिश्रा के इस बयान को लेकर सब कुछ सुनना चाहते हैं और आखिरकार गूगल से ऐसा क्यों कह रहे हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, अगर खास सुनना चाहते हैं इस पर तो यहाँ रुक सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विवान है और आप सभी पंजाब केसरी देख रहे हैं। फर्जी लोन ऐप की खबर आप तक भी पहुंच गई होगी। लगातार कई खबरों को आप पढ़ रहे होंगे कि बच बचा कर कैसे लोन लेने हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में बीते कुछ दिनों से लगातार फर्जी लोन ऐप्स ने हड़कंप मचा रखा है। इन ऐप से लोन लेने वालों में से कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद और खत्म हो चुकी हैं। इंदौर का एक परिवार बीते कुछ दिनों पहले ही बर्बाद और खत्म हो गया। आत्महत्या करते हुए परिवार के मुखिया ने यह लिखा, मैं आदमी बुरा नहीं हूँ, हालात ही कुछ ऐसे हैं। वहीं इस दर्दनाक घटना के बाद मध्य प्रदेश सरकार बहुत ज़्यादा गंभीर दिखाई पड़ रही है और नरोत्तम मिश्रा जो गृहमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने 25 अगस्त को ये कह दिया था कि फर्जी ऐप्स चलाने वालों के लिए जेल ही एकमात्र जगह जेल ही होगी। और आज गूगल ने अपने हजारों उन सभी लोन ऐप्स को जो फर्जी हैं, जो RBI रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों का उल्लंघन करके लोगों को लोन दे रही हैं और लोन की वसूली करने में लोगों के पसीने गिरा देती हैं या यूं कहें उनकी जिंदगियां ख़त्म कर देती हैं, बर्बाद कर देती हैं, उन सभी ऐप्स को बैन कर दिया है। जहाँ एक और गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उन ऐप्स को बैन करने को लेकर के गूगल का धन्यवाद दिया है, तो वहीं उन्होंने गूगल के अधिकारियों को ये कहा है कि पहली बार है इसलिए हमने कहा है अगली बार से कार्रवाई होगी। मैं आपको बता दूं कि ये जो फर्जी लोन ऐप्स हैं ये बड़े ही आसानी से लोगों को लोन दिया करती हैं, मगर जब वसूली की बात आती है तो ये ऐप्स सिर्फ लेनदार को ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को परेशान करती हैं, परिवार के कई सदस्यों को ब्लैकमेल किया करती हैं। ऐसी भी खबरें देश भर से आई हैं। मैं एक और चीज़ कह दूं जो बड़े बुज़ुर्ग कहा करते हैं कि पैसे आसानी से नहीं आते हैं, पैसे कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, यानी कि आप भी सावधान रहिए। इस प्रकार की खबरें हम आप तक लगातार लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।